हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं कि इंडिया हैज अपडेटेड द बांग्लादेशी टीम्स सॉफ्टवेयर। इंडिया वुमेन्स बीट पाकिस्तानी वुमेन। बांग्लादेशी टीम का भी सॉफ्टवेयर कर दिया है और ऐसे लगता है पाकिस्तानी टीम का भी कर दिया है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं तो ये सुन के, भैया पाकिस्तानी वुमेन जो है उनकी टीम है, तुम लोग बंदे जैसे, वो जाकिर जैसा बंदे को बुला रहे हो तो उसकी तो ये मेंटालिटी होगी कि औरतें वही अफगानिस्तान की तरह घर के अंदर ही बैठी रहें, बाहर निकल ही नहीं सकती हैं। तो ये तो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी तो वुमेन टीम और वुमेन का तो बुरा हाल होने वाला है फ्यूचर में। तो पता नहीं, अभी से ये इंडिया से तो हार ही रहे हैं, पर कुछ टाइम में इनके पास टीम ही नहीं होनी है जिस डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। भाई एक ही रात में दो पिचकारी। वुमेन टीम जो है वो पाकिस्तान को हरा दिया और भाई मेन टीम ने जो है बांग्लादेश को घुसा दिया। तुमसे नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त, तुम लोगों से हो ही नहीं पाएगा। ये क्रिकेट तुम लोगों का काम ही नहीं है, तुम्हारे खून में क्रिकेट लिखा ही नहीं है। पता नहीं बेकार में अपने जूते पतलूने फाड़ रहे हो बाग बाग के भाई। वेल डन भाई, वेल डन, वेल डन भाई। इस बीमारी में खुशी का मौका है, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है भैया। यहाँ पर आपने देखा कि बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का मैच किस तरीके से वन साइडेड, वारन चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह ने पूरा जो है वो कुपरी घुमा दिया भाई। बांग्लादेश के बैट्समैनों का 127-28 पे आल टीम को ढेर कर दिया भाई। जिस तरीके से सोचा था कि ये T20 का पहला मैच कैसे होगा, ये उससे भी कई गुना ज्यादा जो है वो बेस्ट और अच्छा खेले भाई है। तो ये टीम, मैंने आप लोगों से क्या कहा था, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा और भी बहुत सारे प्लेयर जो है T20 से रिटायरमेंट लिए, तो मैंने कहा ये जो टीम बनेगी ना, ये पहले से ज्यादा खतरनाक टीम बनेगी। और वही हुआ। देखें कि बांग्लादेश को भाई टेस्ट मैच में भी वन साइडेड हराया है और भाई T20 में भी वन साइडेड हराया है। फास्ट बॉलिंग से और भाई स्पिन बॉलिंग से मजा आ गया और साथ वुमेन टीम में भी कमाल कर पाकिस्तान की वुमेन टीम भाई एक साल में ये मेरे ख्याल दूसरी जो हार 7 विकेट 6 विकेट। लेकिन भाई वो मजा नहीं आ रहा, मेन टीम हारती है ना तो काफी ज्यादा मजा आता है क्योंकि बंदा खुल के बोल सकता है गुस्सा दिया। एनीवे कोई बात नहीं, वुमेन टीम ने जो है वो पाकिस्तानी वुमेन टीम की जो है रगड़ाई कर दी। दो जगह धुलाई हो रही थी, वहां भी धुलाई हो रही थी, यहाँ भी धुलाई हो रही थी, एक ही दिन में दो पिचकारी। असल में भाई देश ऐसे हो गया, पाकिस्तान का तो दिन ही खराब है। पाकिस्तान तो दुनिया की किसी भी टीम से नहीं जीत सकता। हिंदुस्तान, इंडिया की टीम पाकिस्तान से बहुत आगे मेरे भाई, बहुत आगे, बहुत ज्यादा आगे। अब चाहे वो मेन टीम हो, चाहे वो लेजेंड प्लेयर हो, चाहे वो T20 हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, किसी में भी हो, वो इन्होंने खुद कहा था ना कि भाई सब तो हार गए, अब जो है हिजड़े ही बचे, हिजड़ों की कोई टीम है तो बता दो, उससे भी हार। ये खुद पाकिस्तान के लोग बोल रहे थे। एनीवे ये बोल रहे थे कि बांग्लादेश T20 में जो है इंडिया को जरूर हराएगा, वो तो टेस्ट मैच था भाई। कैसे लगा? देखो बांग्लादेश की एक बार सूझी क्योंकि वो T20 का सीरीज का पहला मैच हार गए। पाकिस्तान की दो दफा सूझी, वहां पे वुमेन टीम हारी, फिर बांग्लादेश हारा, दो दफा सूझी। जो खेल नहीं रहा उसकी दो दफा सूझ रही है, जो खेल रहे उसकी एक दफा सूझ रही है। क्या बात है, मजा आ गया। भाई के हारने पे जो दुख भाई को होता है ना, उसका मजा ही अलग है भाई, मजा ही मजा इसकी। ये तो रिजल्ट आज मैच से पहले ही बताया था कि बांग्लादेश वर्सेस जो है इंडिया का मैच और रिजल्ट हमको पहले ही पता है कि जीतेगा इंडिया ही। बस यही मजा आता है देखने का, कुटाई उठाई। अभी कल इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। क्या जबरदस्त कुटाई होगी, अभी भी सोच के हंसी आ रही है। हारे हारे मजा ही आ जाए, पाकिस्तान जाओ जाए। तुम्हारी औकात है जीतने की, बैठ के चक्कर।
मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय। मैं इस पूरी वीडियो में ये सोच रही थी, बांग्लादेश जो है जब पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच खेल रहा होता है तो बांग्लादेश को बड़ा होता है कि पाकिस्तान जीत जाए, और जब ये पाकिस्तान खेल रहा होता है इंडिया के साथ तो बांग्लादेश को बड़ा हो रहा होता है कि भैया वो जीत जाए पाकिस्तान। तो दोनों को ये होता है कि इंडिया हारे और दूसरा उनका, क्यों भाई क्यों, वो क्यों ये सोचते हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि वही दिमाग में वो कीड़ा है ना रिलीजन वाला, उसकी वजह से उन्होंने ये सब किया हुआ है। नहीं तो वही पाकिस्तान है जिससे ये लड़के आज़ाद हुए थे जो ये भूल गए हैं, और वही बांग्लादेश जो पाकिस्तान भी भूल गया कि वही बांग्लादेश है जो तुमको तुमसे लड़के अलग हुआ था। पर अब दोनों में देखो कैसे सांठ गांठ हो रही है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर रिलीजन घुसा हुआ है। तो दोनों की डूबने का तो वही है ना, डूबना तो उन्होंने है ही, एक थोड़ा जल्दी डूबेगा एक थोड़ा टाइम के बाद डूबेगा। जल्दी कौन डूबेगा, पाकिस्तान, क्योंकि उसके अंदर रिलीजन की डुबकी जो उन्होंने लगाई थी वो बहुत पहले लगा ली थी, और दूसरा बजा बांग्लादेश, उसने अभी नई नई डुबकी लगाई है तो उसको डूबने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर डूबना दोनों नहीं है और वो ये दिख रहा है। और मैचेस में हर फील्ड में ऐसे देशों के साथ जब इंडिया कम्पीट कर रहा है ना, उनको इतना बुरी तरह इनको हराना चाहिए कि उनको दोनों को रियलाइज़ हो जाए कि हमारी औकात क्या है, मतलब हम किसी भी वे से इंडिया के सामने खड़े होने लायक तक नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि हर फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो, जो भी है, इम्पोर्ट्स हम कम करें, एक्सपोर्ट्स उनसे ज़्यादा करें, उनको इतना इन दोनों देशों को टफ कंपटीशन दें कि इनका बिजनेस पूरा ठप हो जाए वर्ल्ड के अंदर से। जहाँ भी इनकी कोई भी मतलब बिजनेस जो है या ये कुछ भेजते हैं, मेक श्योर करना चाहिए कि हमारा फोकस हर एक इंडियन कंपनी का और गवर्नमेंट का ये हो, अच्छा पाकिस्तान जो है इस चीज़ में जो है ये ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, पूरा अपने उस डिपार्टमेंट जो है या वो उस बिजनेस वाले ना उनको बोलो भैया तुम जो है ना जहां जहां ये बेचते हैं जाओ अपना फैंटास्टिक एक सब बहुत ही बढ़िया माल जो है उनसे कम दामों में टेक दैट इंडस्ट्री, कैप्चर कर लो वो इंडस्ट्री, वहां उनका पट्टा बिठा दो। वैसे ही सेम बांग्लादेश के लिए, मतलब इनको इतना टफ कंपटीशन दो कि इनको रियलाइज हो जाए कि भाई हमने पंगा लिया तो लिया किससे, रोए ये, पर दिस इज फैंटास्टिक, दोनों टीमों ने कमाल किया, दोनों देशों को कर दिया, दोनों रो अपने लिए नहीं, ये नहीं बांग्लादेश इसलिए नहीं रोए कि भाई हमारी टीम जो है हार गई, वो इसलिए रोए क्यों है पाकिस्तान की टीम भी टीम हारी है, देखिए होता और पाकिस्तान रोए कि भैया बांग्लादेश की टीम कैसे हारी है। चाहिए कि नॉर्मली जब देखिए होता ये है कि अगर हम लोगों का मैच होता है बांग्लादेश या पाकिस्तान तो ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए इंडिया को कि छोटी मोटी टीम से खेल के इट्स नॉट अ बिग डील। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं तब बोले हो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं ओके फाइन, उसमें आपको जो है इंटरेस्ट शो करना है, मगर बांग्लादेश है पाकिस्तान है लोगों को टूली स्पीकिंग देखने भी नहीं जाना चाहिए कि केयर, ये तो छोटी मोटी टीम से उनको भी बर्बाद कर रहे हैं, यार हमारी तो बेइज्जती होती है हमें तो कोई दिखता ही नहीं। जब भी ये मैचेस हो जो टीवी पे लोग ना देखें कि इट इज़ नॉट अ बिग डील, अगर वहाँ मैच हो रहे देखने मत जाओ क्योंकि बोलिए छोटी मोटी कंट्रीज के लिए वी डोंट केयर क्या आउटकम है, मेन कंट्रीज आती हैं तब देखने हमने क्या आउटकम है, दिखाओ उनको दिखाओ बांग्लादेश और पाकिस्तान को तुम्हारी इंपॉर्टेंस यार धेले की नहीं हमारे सामने, हम तुम्हें कुछ समझते ही नहीं है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।